ये है मेरे हस्बैंड नीचे छोड़ने के लिए। ठीक है हमारे ना। अच्छा ओके। क्या क्यों हवा ले जा रानी का खूबसूरत गेट। देखिए भाई हमारी बहना बेबी भी आ रही है। किस कलर तो बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते। पहुंच गए भाई यंगपा ब्रिज के पास। तो यहाँ सुनीता नेगी स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल की नॉरी क्वीन में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखो मैं मायके पहुँच चुकी हूँ। और तो ससुराल से मैं कैसे कैसे मायके पहुँच चुकी हूँ ये जाने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा वीडियो। अभी मैं जा रही हूँ, देखो वहाँ पे आगे जो लाल छत दिख रहा है ना आप लोगों को, साथ में है नेपाली खड़ा जो है वहाँ पे जा रहे हैं हम ना घास ढकने के। मौसम भी देख सकते हैं आप, मौसम देखो बादला बादला है, कभी भी जो है बारिश पड़ सकती है। और वैसे भी आजकल जो है रात को जो है मौसम ज़्यादा ख़राब रह रहा है। तो तब तक आप लोग मेरा वीडियो वॉच करो। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 2:30 और हम हो चुके हैं इस वक्त रेडी जाने के लिए घर, मतलब कि मायके जा रहे हैं अभी ससुराल से। सिद्धि और प्राहिल जा चुके हैं आगे की तरफ, तो हमारे साथ नीचे आएंगे मेरे हस्बैंड नीचे छोड़ने के लिए। ठीक है हमारे ना। अच्छा ओके। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ना बस स्टैंड है और यहाँ पे चला हुआ है आजकल देख सकते हैं आप दरिया बनाने का काम। पुराने रजाई ले रहे होंगे और इसके बदले में बनाए जाते हैं नए गद्दे। ये देखिए दोस्तों आगे आगे जा रहे हैं सिद्धि प्राहिल और उसके पापा, और हमने जाना है ना आगे तक पैदल ही, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ना छोटी गाड़ियाँ उनको ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होती, इसीलिए जो है हम वहाँ तक पैदल जाएंगे। सिद्धि का बैग भारी है और वो बैग छोड़ रही है सिद्धि, इसको पता लग गया। अब पहले बोलती थी मैं चलूंगी। हाँ जी ओके। क्या क्यों हवा ले जा रही है उड़ा के। तो यहाँ आगे थोड़ा हम वेट करेंगे गाड़ी का और मैं आप लोगों को ना गाँव का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है व्यू। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत जानी गाँव, हरा भरा। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ना पूरा ये जो पीछे ना दोस्तों जंगल ही जंगल है, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखता है नज़ारा खूबसूरत। और आप लोगों को मैं ये जो नीचे है ना तो उसके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बोलते हैं लिंगे और ये नीचे जो है आप लोगों को सतलुज नदी दिख रही है और उसके साथ है NH। तो हमने वहाँ पे पहुँचना है अभी, तो अभी तो हम फिलहाल टाफरी की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे हम बाद में पावन नगर की तरफ। इतना सा चल के मेरी सिद्धि पर बाबू जो है थक चुकी है ना, ऐसे बोल रही थी ना मैं तो पैदल चलूँगी। आई मेरी बेबी थोड़ा सा चल के भी थक जाती है, कोई बात नहीं स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग। ये है जानी का खूबसूरत गेट। तो ये है इसका बैक वाला, जो फ्रंट वाला तो दिखा दिए, ये था बैक वाला खूबसूरत। ये गेट भी बहुत ही बौद्धिज्म स्टाइल से बनाया है इसको। ये देखो और यह चगाँव, तो जानी और जो चगाँव है ना आमने सामने है। ये देखिए बहुत बड़ा गांव है ये चगाँव भी। तो आगे तो हमारी गाड़ी भी पहुंच चुकी है, रुको। तो ये देखिए दोस्तों हमें लेने के लिए पहुंच चुके हैं प्राहिल के पापा, तो गाड़ी में चढ़ चुके हैं। रुको रुको, खतरे की घंटी बज रही है आगे। यहाँ पे चला हुआ है रोड का काम। ये है दोस्तों छलतू ब्रिज और इस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है वो है सतलुज नदी। तो टावरी जो बाजार है वो भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। क्या खाओगी आप? बिस्कुट। देखिए भाई हमारी बहना बेबी भी आ रही है अब, तो हम जाएंगे यहाँ से गाड़ी चेंज करेंगे, हम जाएंगे बेबी के साथ, बेबी के पापा आए हैं उसको लेने के लिए। हाँ ये जो है मम्मा आ गए, हम जाएंगे जी अब इस गाड़ी में को छोड़ेंगे अब हम घर जाने देते हैं सामान को। बस थोड़ी देर तो शांत कर रहे हैं। इसका जीपी खराब कर दिया इन दोनों ने। मैंने कब किया? ए प्राहिल ने, प्राहिल ने, प्राहिल ने कुछ नहीं किया। किसको लात मार? तो बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते खुद। ये देखो यहाँ पे इनके हाथ। ओके भाई ठीक है, बाय करो पापा को। चाचू को भी बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम भवनगर में।
बाबा नगर तो ओके है। हाँ यार, हाँ ठीक है, पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, ओके बाय। और चल पड़े पापा और चाचू तो है ना। हाँ पापा ऐसे दौड़ गए देखो। और चलो चलो आ जाओ पीछे की तरफ, आ जाओ बेटा प्राही पीछे को जाओ। ये देखिए जी, हम पहुंचे पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे थोड़ा करेंगे गाड़ी फुल करेंगे, है ना मामा। पिछले वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि आपने वांगतू तो दिखाया नहीं, मैंने सोचा इस वीडियो में ऐड करती हूँ वांगतू पुल। तो यहाँ से दूर पड़ता है दोस्तों भाभा वैली 18-19 किलोमीटर। पहुँच गए भाई यंगपा ब्रिज के पास, तो यहाँ तक आए हम बेबी के साथ, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। चलो बेबी मासी को बाय। चलो चलो भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे, घर पहुँच गए, मापो पहुँच गए। चलो ये देखो मम्मी ऊपर, मम्मी तो मुझे लग रहा है आज दिन भर हमारे कोई देख रहे होंगे, कब आएंगे कब आएंगे। मत कर दीदी को। अभी देखो अपनी चीजें पहुंचते ही निकालने लग गए अब जूस। अच्छा अभी के लिए जूस लेके आए आप, वेरी गुड यार। हाय हाय, ओ रे 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 रे, आप ही ने बहुत मिस किया भाई प्राइल और सिद्धि को, है ना। वो बिस्किट भी लाया ये तो। वाओ, येलो कलर का एकदम बढ़िया है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि सामने में देखने में लग रहा है। वाह बहुत ही सुंदर है, इतना 3-4 दिनों में कितना परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे। ये 3-4 दिनों में ना इतना मतलब चेंज हो गया ना यहाँ पे। देखो राजमा ने मतलब अपने हाथ पैर निकालना शुरू कर दिया, ये देखो कितने ऊँचे ऊँचे हो गए ना। अरे वाह इतना जल्दी कितना सब कुछ चेंज हो गया इतने दिनों में, इतने बड़े बड़े गोभियाँ बन गए। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है बनने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे मतलब पहुँची गई, तो मैं आप लोगों को सोचा कि M9 रूट स्टॉक का जो वेराइटीज़ है यहाँ पे लग चुके हैं। देखो कितने मतलब लाल लाल लग रहे हैं, और साइज़ भी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं आप लोगों को ना नीचे की तरफ दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ, और ये देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बगीचा इस वक्त, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती दोस्तों। इतने दिनों में इतना सब कुछ चेंज हो चुका है ना, यहाँ पर ग्रीनरी आ चुकी है, यहाँ पे जो भी है राजमा है, आलू है, मतलब फ्लावर्स है यहाँ पे, सब में फ्लावरिंग एकदम बढ़िया से चला हुआ है यहाँ पर। आलू का फूल बोलते हैं इसको ना, आलू का फूल है ये। और बाकी ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आप लोगों को वाइट वाइट कलर के ना, ये पूरा घास है, इसको हम बोलते हैं फाफरोल। जब ये छोटा होता है ना, इसका हम जो है सब्जी भी बनाते हैं। आप लोगों ने पूरा मेरा वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा, मैंने मतलब दिखाया था इसकी सब्जी बनाते हुए भी और खाते हुए भी। ये देखिए दोस्तों जिसको बोलते हैं फाफड़ा हम लोग ना, बकवीट। और इसमें भी जो है ये देखो अब फूल आने स्टार्ट हो गया, अब इसमें ना धीरे धीरे जो है ऐसे ही दाना लगेगा और साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बढ़ेगा। वाओ 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 वाओ, सुकून मिलता है सच में ना जब इन ऐसी इस तरह की चीज़ें और एकदम खुला वातावरण लगता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने घर को, अपने मायके को ना, पता नहीं क्यों बचपन यहाँ पर गुजरा है तो याद तो करूँगी दोस्तों। मतलब सुकून मिलता है एक अलग तरह का इन चीज़ों को, इन पहाड़ों को, इन बादलों को, मतलब इन पेड़ पौधों को, इन खूबसूरत नदी नालों को ना मैं शायद कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती। और मैं नहीं सोच सकती कि इससे और भी खूबसूरत कहीं और जगह हो सकती है, इतनी खूबसूरत है ना मेरा भावा वैली होमते गाँव, सच में बहुत ही अमेजिंग है ये। यहाँ पर सुकून जैसे मिलता है एक। कौन आया अभी ये घास लेके हैं, एक कहाँ से ला रहा है, आम छोड़ के ले जू, कहाँ से आ गया ले तू नया बंदा जैसा, पूरा नहीं है यार। हाँ प्रेम के बंदे है ना, तू तो नया है, ये तो पुराना है, पुराने पुराने तुम्हारे को तो नहीं देखा यार, पार से लाया
अरे पूरा भिजा दिया यार। तुम लड़ाई करने वाले तुम तो नहीं थे? हाँ। वहाँ जब लड़ाई किया था भैया बोल रहे थे लड़ाई लड़े ये लोग। मर मर के आ रहा है, है? देख ही नहीं रहा है ना के आ रहा है ये तो पूरी तरह से अच्छा पार से लाया ये झरने का जो पानी दिख रहा है ना दोस्तों वहां से लाया इन दोनों ने। अरे थक गया अरे लेट ही गया ये तो ना के आए पार झरने के पानी से है ना ये दोनों गए थे पार। ये देख सकते हैं आप वहाँ पे फिश का पानी ना वो टैंकी जो नीचे वाला पानी है ना झरने के साथ वाला नीचे के आगे वहाँ पे गए थे दोनों साफ करने के लिए। मम्मी ने बोला जा रहे हैं तो भाई साथ में तुम दोनों घास भी ले जाना साथ में घास भी ले जाना इसीलिए। प्रवास डकरा है तरपाल से तो इसके हेल्प करने के लिए मैं भी आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना फिर जो पत्थर लगाना पड़ता है नहीं तो तरपाल जो है हवा से उड़ जाता है। हम दोनों ने यहाँ पे तरपाल लगा दिया है डक दिया है और यहाँ से खूबसूरत ना पीछे का व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मम्मी अभी इस वक्त खलियान में है, खलियान में साथ में ना इसकी जो प्रवास है उसकी सिस्टर्स है वहाँ पे दो आई हुई। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।